हेलो गाइस, अदनान इज हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप लोगों का फिर से मिस्टर मीट के न्यू अपडेट में। आज हम खेलने वाले हैं मिस्टर मीट की न्यू सीक्रेट एंडिंग। तो देखते हैं क्या है इसकी न्यू सीक्रेट एंडिंग में और कैसे होगी न्यू एंडिंग। तो ये आ चुके हैं हम मिस्टर मीट के घर पर वापस। तो ये रहा मिस्टर मीट का घर। ओके, तो फिर से ले लिए हैं हमने हमारी गन हाथ में और जा रहे हैं हम सीधे बैकयार्ड में, मतलब गैरेज के पास में जा रहे हैं हम। यहाँ से हमें घुसना है मिस्टर मीट के घर में, तो घुसते हैं फटाफट। कोई नहीं दिख रहा है अभी तो। ओके, तो यहाँ पर मुझे ग्रीन की भी मिल गई है, बहुत अच्छे। बाद में आकर उठाएंगे हम, बिकॉज़ ये गन मुझे यहीं पर फेंकनी है। यहाँ पर देख लेते हैं प्लायर्स ढूंढने। सबसे पहले हमें प्लायर्स ढूंढने, बाकी सारा काम बाद में, बिकॉज प्लायर्स सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा एंडिंग ही बिल्कुल डिफरेंट एंडिंग होने वाली है। हमें चीज़ें ही बिल्कुल डिफरेंट ढूंढनी है अब की बार। तो मिस्टर मीट अभी गया है उधर, तो हम फटाफट प्लायर्स ढूंढ लेते हैं, देखते कहाँ पर है। ओके, तो प्लायर्स मिल गए हैं हमें। उठाते हैं इन प्लायर्स को और चलते हैं सीधा अपने रूफ टॉप की तरफ। अरे भाई, देख लिया यार इसने, कूदो 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 कूदो। और फिर सारा भाई नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। झुको 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 झुको। यहाँ पर कहाँ गया यार, गायब हो गया क्या? ओके, तो प्लायर्स फेंकते, अभी आएगा वो भगता हुआ। आने दो आने दो, देख लिया। अरे आजा बेटा आजा, मुझे नहीं पकड़ सकता है तू। चलो चलो फटाफट ऊपर चलते हैं और चारों नेल्स को बाहर निकालते हैं और चलते हैं रूफ टॉप की तरफ। एक और डॉल का पार्ट मिल गया मुझे, सामने दिख रहा है। डॉल के पार्ट की भी अभी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ओके, तो अब चलते हैं सीधा सामने और सबसे पहले इसको ओपन करना मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी है यार। अब सेकंड नंबर पे हम ओपन करते हैं ना जो बैकयार्ड का डोर है, उसे ओपन करना पड़ेगा, बिकॉज़ वहाँ भी जाना पड़ेगा हमें, वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी। इसे फेंकते हैं यहीं पर और बुलाते हैं इस मिस्टर मीट को इधर। आने देते हैं पहले इस मिस्टर मीट को, फिर हम भागेंगे नीचे की तरफ। देख लिया इसने, आजा बेटा आजा फटाफटा। हाँ यार, ये यार आ रहा आ रहा है। आजा बेटा, तू नहीं पकड़ सकता है यहाँ पर हमें, हम एनिमेशन में हैं, कोई नहीं पकड़ सकता हमें जब एनिमेशन में होते हो। तो अब यहाँ से उठाना है मुझे ये ग्रीन की और जो अपने बैकयार्ड का डोर है उसे भी ओपन करना है। यहाँ से आएगा वो मिस्टर मीट, इस मिस्टर मीट का अलग ध्यान रखना पड़ेगा। शायद अभी उधर ही है वो, तो हम तब तक दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। देख लिया भाई इसने। ओके, तो ये इधर आने वाला है। आजा बेटा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल सही साइड जा रहा है, सब प्लानिंग के हिसाब से हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट बाहर निकलते हैं और बैकयार्ड। भाई देख लिया उसने, शिट। अबे यार तू चला क्यों नहीं जा रहा, तो आप देख बार बार पीछे पड़ जाता है अपने। ओके, तो यहाँ खड़े होके थोड़ा दूसरी चीज़ें देख लेते हैं अभी हम। यहाँ पर कुछ है। ओके, हैमर मिल गया है। वैसे हैमर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं मुझे, ज़्यादा क्या मतलब, एक ही बार ज़रूरत पड़ती है हैमर की, अगर मन होगा तो लेंगे नहीं तो नहीं। ओके, तो डॉल का एक और पीस मिल गया, म्यूजिक बॉक्स का एक और पीस मिल गया मतलब मुझे। देख लिया भाई इसने, आने दो इसे, आ रहा है ना, आ रहा आ रहा आ रहा। अरे भाई अटक मत अटक मत अटक मत, चल नीचे चल। उफ, दिक्कत हो जाती है अभी बहुत। अब इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट, बिकॉज अगर मैं मर गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, गेट खोलने में दिक्कत आ जाएगी अंदर से मुझे, बिकॉज वो अंदर एक पिग अलग घूमता रहता है, वो अलग परेशान करता है बार बार। ओके, इसको मिस्टर मीट को यहाँ आने देते हैं अपन, फटाफट इधर चलते हैं। डॉल का एक और पीस यहाँ से उठाना है मुझे। ये रहा म्यूज़िक बॉक्स का एक और पीस, मतलब डॉल का पीस ही है ये, इधर कुछ नहीं है। कहाँ है मिस्टर मीट, किधर है भाई मिस्टर मीट? हेलो मिस्टर मीट, वेयर आर यू? आ गया आ गया भाई आ गया है, इधर ही बैठे रहेंगे अपन। आ जा मिस्टर मीट, जल्दी आ। ओके, तो देखा नहीं है शायद उसने, देख लिया है यार, देख लिया भाई देख लिया। छुपो छुपो फटाफट इसको लगाओ और अब चलते हैं अपन इधर। थर्ड पीस लेना है, लेकिन मिस्टर मीट आ रहा है। यस सेफ ब्रो, सेफ खेलते हैं बिल्कुल। यहाँ देख लेते हैं यहाँ कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बैकग्राउंड म्यूज़िक इतना तेज़ बजाते हैं बहन कर के, कान ही फट जाए सामने वाले इंसान के।
बस तू यही करता रहना दिन भर, कुछ काम नहीं तेरे को, वह काम वाम कर, तेरी गाड़ी बाहर लगा। ओके, कहाँ है यार ये? देख लिया इसने, आजा बेटा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कंट्रोल में है। वी आर प्रोफेशनल, तुझे नहीं मालूम है? यही काम है हमारा, दूसरों के घरों में ताखाजागी करने। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये सारे नोट्स वगैरह भी मुझे ढूंढने पड़ेंगे कैसे क्या है। हालांकि इसको पढ़ने का मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज अभी पढ़ने लगूँगा मिस मीट आ जाएगा ऊपर। ओके, मिस्टर मीट के ओके चाहिए हमें। म्यूजिक बॉक्स का थर्ड पीस ये रहा, तो आई होप सो मिस्टर मीट यहाँ नहीं होगा। お前はもう死んでいる。ये भाई ये बिल्कुल गलत बात है, ये चीटिंग है एकदम से। तुम कोई सिग्नल वगैरह कुछ नहीं दे रहे हो, एकदम से आके मार दे रहे हो, बिल्कुल नहीं चलेगा ये ऐसे। तो भाई मुझे लगा है चला गया यार, इसलिए मैं वहां पे भागा था, मुझे नहीं पता था कि वहीं खड़ा हुआ है बिल्कुल छाती पे। अब यहाँ से भी अलग स्पीड में भागना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही बेकार है यार, ये सुअर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। फटाफट भागना पड़ेगा भाई, भाई अटकना बिल्कुल नहीं, वो पीछे पड़ जाएगा अगर जरा सा भी उसने देख लिया तो। और मैं नहीं चाहता हूँ वो काट ले, बिकॉज वो काट लेगा तो मेरा एक दिन और वेस्ट हो जाएगा उसकी वजह से। ओके, तो फटाफट भाग लेते हैं, कैमरा बच चुका है और अब मिस्टर मीट हमारा पीछा करने वाला है। हमें अंदर जाना है और अब हमें लास्ट पीस लगाना है हमारा। कहाँ गया वो पीस? ये रहा म्यूजिक बॉक्स का लास्ट पीस, और इस म्यूजिक बॉक्स को अब करते हैं स्टार्ट। क्या बात है भाई, अच्छा एक पीस और बचा है ना, एक पीस और। यस यस यस, ये रहा। यस, मैं भाई इसने देख लिया, इसने अलग देख लिया, मैं यार बिल्कुल छोड़ने का नाम नहीं ले लिया पीछा, कुछ करना पड़ेगा इसको तो जुगाड़। बेटा अभी रुक जा तू, एक बार मेरी ये म्यूजिक बॉक्स हो जाने दे स्टार्ट, और उस लड़की को बाहर निकालने दे, फिर बताता हूँ तेरे को। गन गन ही पड़े तेरे, ध्यान रखना। अरे भाई बिल्कुल गन का यूज़ करूँगा तेरे ऊपर मैं, रुक जा बस एक बार, बस उस लड़की को कैद से बाहर निकालने दे मुझे। ओके, तो इधर ही आ रहा है वो शायद, अभी देखना पड़ेगा इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख तो नहीं रहा है वैसे मुझे। आ गया आ गया भाई आ गया है, आने दो। कैसा बेवकूफ़ है, अभी तक इसने देखा ही नहीं हमें यार। अबे कितना बड़ा बेवकूफ़ है यार, इसके सामने बैठा हुआ था मैं, दिखाई नहीं इसको। अभी बुलाते हैं इसको, ए अब आएगा, भागा भागा, आने दो इसे। आजा बेटा आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में हमारे। ओके, तो अब हमें जाना है ऊपर और लास्ट पीस लगाना है म्यूजिक बॉक्स का, मतलब इस डॉल का लास्ट पीस ये रहा। इस डॉल के पैर मिल गए हैं हमें, पैर भी उल्टे पकड़े हैं इसने। ओके, तो ये लगा दिया हमने लास्ट पीस, और अब इस बजाते हैं इस म्यूजिक बॉक्स को। अब वो मिस्टर मीट आएगा और इस म्यूजिक बॉक्स को लेके जाएगा उसके सीक्रेट रूम में, जो बिल्कुल खुफिया है, अभी तक किसी ने देखा नहीं है, मतलब देखा तो होगा यार लोगों ने। ओके, तो डॉल उठा ली है उसने, और अब ये लेकर जाएगा उसके सीक्रेट गराज में। जब तक वो गराज में जाएगा, तब तक हम कुछ चीज़ों को जो भी चीज़ें चाहिए हमें उनका बंदोबस्त कर लेते हैं। लाइक हमें ग्लव लेके आना है, ग्लव चाहिएगा हमें, ग्लव की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बिकॉज ग्लव की ज़रूरत क्यों पड़ेगी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए अभी मैं ग्लव ले लेता हूँ, वो नीचे गया है तब तक मैं ग्लव ले लूँगा। ओके, तो ये ले लिया है हमने अपने ग्लव्स, और अब हमें जाना है ऊपर, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मिस्टर मीट देखे, आई थिंक वो नीचे गया है अभी, तो फटाफट अभी हम अपन ऊपर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर चाहिएगा हमें ग्लव। ओके, तो अब इस ग्लव को फेंकते हैं यहाँ, मिस्टर मीट आएगा भागा भागा ऊपर वापस, हमें इधर छुप जाते हैं बिकॉज अब हमें नीचे जाना है। ओके, तो यहाँ इंतज़ार करते हैं मिस्टर मीट का। ओके, तो देख लिया इसने, वापस कर दिया है इसने, तो अब हमें भागना है इससे वापस। अबे छोड़ क्यों नहीं देता, तो पीछे मेरा समझ नहीं आता ये बात, क्या मिलेगा तुझे मेरा पीछा करके बता। मालूम है पकड़ में आने वाला नहीं हूँ मैं, फिर भी पीछा करना मतलब करना है। बुलाओ उसको वापस, इधर ही बुलाओ। आ गया तू, आजा बेटा आजा, तेरे को चक्कर ही खिलाया मैंने। ओके, तो ये इधर जा रहा है, अब हमें जाना है ये नीचे। ये रहा मिस्टर मीर का यहाँ पर सीक्रेट गैरेज।
ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इस बटन को ओपन कर देता हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ मिस्टर मीट आए तो मेरे को भागने का रास्ता ना मिले फिर बाद में। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। ओके, तो वुडन प्लैंक मिल गया है हमें, और ऊपर एक मिनट, एक और यहाँ पर लेग से ट्यूब भी है। ये रही वो लड़की, हमें इसे बचाना है अब की बार। तो हमें इस वुडन प्लैंक से पुली बनानी है, बट यहाँ पर हमें मिल चुकी है मिस्टर नीड की ड्रॉर की। हाँ, तो मैं कह रहा था इस वुडन प्लैंक से हमें पुली बनानी है, लेकिन उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा, जिसके लिए हमें मिस्टर नीड को नीचे बुलाना पड़ेगा ताकि हम आराम से ऊपर जाके अपना काम कर सकें। ओके, तो देख लिया इसने, आने दो इसको, आने दो, आ जा बेटा, आ जा ऊपर, आ तू मेरे पीछे आ, कोई दिक्कत नहीं है, सिचुएशन पूरी कंट्रोल में रहे हमारे। तो ये आ गए हैं ऊपर, और अब हमें बनाना है पुली इससे। ये रखा हमने, ओके, तो पुली बन के हो गई है तैयार, और अब हमें इंतज़ार करना है मिस्टर मीट का। ओके, तो ये आ गया मिस्टर मीट, इसी का नाम ले रहा था बस मैं अभी थोड़ी देर पहले ही। मिस्टर मीट गया है उधर, और ये रहा मिस्टर मीट, ये वापस इधर आएगा अब हमारे पास, और हम अब चलते हैं नीचे, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है नीचे जाना। इस पुली को हम फेंकते हैं यहीं पर, और यहाँ से हम उठाते हैं मिस्टर मीट के ड्रॉर की और चलते हैं ऊपर। मिस्टर मीट को आने देते हैं, लेकिन पहले, बिकॉज मिस्टर मीट का आना ज़रूरी है, अगर मिस्टर मीट नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी, वो हमें ऊपर ही घेर लेगा। वरना देख रहे हो कितना इंटेलिजेंस यूज़ कर रहा हूँ मैं, कितना दिमाग लगा रहा हूँ इस मिस्टर मीट से बचने के लिए, मेरे इतना दिमाग कोई यूज़ नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो चलते हैं ऊपर, और अब इस सीक्रेट ड्रॉर को खोलते हैं, यहाँ से हमें मिलेगी, देखते हैं क्या मिलेगा, रोप। ओके, हाँ, तो गाइज इस रोप का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है उस बेचारी लड़की को बचाने में, बिकॉज इस रोप की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है हमें। अभी फ़िलहाल इस रोप को यहीं फेंकता हूँ ताकि मिस्टर मीट ऊपर आए और हम नीचे जा सके। मिस्टर मीट ऊपर तो हम नीचे, हम नीचे तो मिस्टर मीट ऊपर। टू मच फन। ओके, तो अब चलते हैं सीधा नीचे गैरेज की तरफ, और पुली और इस रोप का यूज़ करते हैं और इस लड़की को फ्री करवाते हैं। तो इसको फ्री करवाने के लिए हमें सबसे पहले गेट लगाना पड़ेगा। ये क्या है यार, एक मिनट। ओके, हाँ, तो ये लेक्स एक्टिव है, इसका भी यूज़ करना है हमें, ये हमें उस पिक के खाने में मिलाना है। तो काम करते हैं, पहले यही करके आ जाते हैं, बिकॉज़ हम जब तक ये मिलाएंगे और वो खाएगा, और फिर मतलब मैं पता हूँ आपको क्या होने वाला है, बहुत ही मतलब बहुत ही गंदा काम करवाने चाहते हैं ये लोग हमसे, बहुत बेकार काम होगा आप, बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा उस पिक का भी, बिकॉज़ जैसे वो मुझे देखेगा पीछे पड़ जाएगा मेरे, और कैमरे में से भी आवाज़ आ गई है, तो किसी भी वक्त मिस्टर मीट आता ही होगा यहाँ पर, भागा भागा आने वाला है मिस्टर मीट भी। अब भाई बहुत सारा काम है यार, बहुत काम है, आ गया मिस्टर मीट और देख लिया इसने। ओके, तो अब हमें छुपना पड़ेगा इससे भी, मतलब यार मिस्टर मीट से भी छुपो, फिर उसके पेट से भी छुपो, दोनों जनों से छुपो, यही काम है हमारा, यही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी भैया। ये देखो भी ऊपर भी चढ़ गया भाई, कहाँ है यार, अभी तक आया क्यों नहीं है उसका पेट। मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही जाऊँगा वैसे मुझे पता है वो पीछे पड़ जाएगा मेरे, और मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों सुअर एक साथ मेरे पीछे पड़े। मिस्टर मीट क्या हुआ, भूल गया क्या मेरे बारे में वो? यस, भूल गया, भूल गया, जाने देते हैं इसे मिस्टर मीट को यहाँ से, फिर अपन करते हैं अपना काम। अरे यार ये जा भी उधर ही रहा है, कितना मनहूस है हराम खोर। अबे मेरे को उधर ही जाना है यार। अरे यार इसको कैसे बुलाऊं मैं, ये यहाँ से जाएगा तो अपना काम होगा, इधर ही आ रहा भाई, देख नहीं ले मेरे को, ये तो फिर पीछे पड़ जाएगा। ओके, अभी तक ध्यान नहीं दिख गया है उसका। ओके भाई, देख लिया, देख लिया, आखिर भागना ही पड़ेगा मेरे को वापस ऊपर। तेरी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर मीट, क्या दिक्कत है तुझे? एक तो इसका पेट भी दिख नहीं रहा, मुझे पता नहीं कहाँ गया वो, चलो मिला ही देते हैं इसके पेट में खाना, कहाँ है इसका पेट, शायद वहाँ पर है। ओके, मिला दिया हमने, भागो भागो फटाफट भागो यहाँ से, निकलो निकलो निकलो, वो पीछे पड़ गया भाई मेरे को, मैंने बोला था नहीं मैं जैसे जाऊँगा वैसे पीछे पड़ जाएगा, फटाफट भाग लेते हैं, भूल गया मेरे बारे में। चलो 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 चलो, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो,
फटाफट चलते हैं। ओके, एक काम तो हो गया भाई। आ गया मिस्टर मीट, देख लिया भाई इसने। आजा बेटा आजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सिचुएशन अपने कंट्रोल में है। तुम्हें मालूम है ना, सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। नीचे चलते हैं और अब चलते हैं सीधा गैराज में और उस लड़की को फ्री करवाते हैं। ओके, तो ये रहा मिस्टर मीर का गैराज और इस डोर को हमें क्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज बिना डोर क्लोज करे हमारा काम नहीं होगा। हमने दोनों डोर क्लोज कर दिए हैं, अब हमें उठानी है सबसे पहले रोप और रोप को लगाना है इस केज के हुक में। ओके, देन उसके बाद हमें लगानी है पुली। कहाँ गई पुली? ये रही पुली। अबे उठाना यार, कैसा बेवकूफ है यार, उठानी पुली। ओके, तो पुली भी हमने लगा दी है, अब हमें बस करना है डोर ओपन और उसके बाद हो जाएगी ये जो भी है, ये मतलब म्यूटेंट पिक बोलेंगे हम इसे। इस लड़की को पिक बना दिया इसने। ओके, तो ये आज़ाद हो गई है, पर ये जा कहाँ रही है मेरे समझ नहीं आ रहा है। वैसे इस मौके पर इसे भाग जाना चाहिए, बट ये भागेगी नहीं है, बाहर इंतज़ार करेगी। अब हमें लेना है बकेट और इस बकेट को हमें रिपेयर करना है। ये बकेट हो रही है लीक, खड्डा हो रहा है, आप देख सकते हो उस बकेट के अंदर। तो हमें इस बकेट को रिपेयर करना है। अब ये रिपेयर कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ, बस मिस्टर मीट एक बार आ जाए यहाँ पर। हमने बाल्टी तो फेंक ही दी है, देखते कहाँ से आएगा मिस्टर मीट। मिस्टर मीट, ओके म्यूजिक बज गया, आ गया मिस्टर मीट, आ गया भाई। चलो अब चलते हैं इसको और बाथरूम में फेंकना है हमें इस बाल्टी को, उस एसिड के अंदर फेंकना है ताकि ये रिपेयर हो जाएगी एसिड के अंदर पड़े पड़े ही। आई डोंट नो कौन सी साइंस है ये, बट ठीक है। अरे भाई बाहर फेंक दियो, मिस्टर मीट आ जाएगा अब तो। फेंको 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 फेंको, चलो हो गया काम, अब मिस्टर मीट आने वाला, भागना फटाफट। आया आया भाई, बिल्कुल सही टाइम पर फेंका मैंने, बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर फेंका है मैंने उस बाल्टी को। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और नोट पड़ा रहता है, नोट को भी देख लेते हैं। हालांकि पढ़ तो नहीं पाऊँगा बिकॉज मिस्टर मीट पीछा कर रहा है मेरा। जब तक मिस्टर मीट मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, जब तक मैं ये सारे नोट्स वगैरह नहीं पढ़ सकता हूँ, बिकॉज आई हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन मिस्टर मीट। ओके, तो ये पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है ये, बार बार आ कर जा रहा है, बस कोई फ़ायदा नहीं है। मालूम है हाथ में तो आऊँगा नहीं मैं, फिर भी हार नहीं माननी है भैया मिस्टर मीट को। स्टर्ड लौंडा भैया मिस्टर मीट भी हार नहीं मानता कभी भी। ओके, तब इसको बुलाते हैं यहाँ पर, हम जाते हैं इधर, मिस्टर मीट आएगा और हम अब भागेंगे ऊपर की तरफ ताकि हम वो बाल्टी वापस ला सकें। हमें उस बाल्टी में भरना है रेड पोशन जो हमें मिलेगा बैकयार्ड में। अभी बताता हूँ आपको क्या करना है उस रेड पोशन को। ओके, तो बकेट आ गई है हमारे हाथ में, अब इस बकेट को ले जाके हमें उस वेल में लगाना है, बट मिस्टर मीट हमारा पीछा छोड़ेगा तब लगा पाएंगे। मिस्टर मीट, चल चल, बहुत देर हो गई, तेरे कब से सुने जा रहे हैं हम, ला ला कुछ करता तो है नहीं, पकड़ा तो मालूम है, मालूम है कि फास्ट हूँ मैं, फिर भी मालूम है मिस्टर मीट को कि नहीं पकड़ सकता है, फिर भी हार नहीं मानता मिस्टर मीट। ओके, तो ये लगा दी मैंने बाल्टी और अब मिस्टर मीट आने वाला हुआ, बिकॉज कैमरा में से आवाज़ आ गई है। इस कैमरे का भी कुछ इलाज करना पड़ेगा मुझे लग रहा है, दो मिनट का काम, दो सेकंड का काम है, इस कैमरे का भी इलाज कर ही देता हूँ लगे हाथ मेरे, मेरा मन कर रहा है। ओके, तो इस कैमरे का भी इलाज कर ही देते हैं, हैमर तो हमारे पास है ही सही ना। ओके, तो इस कैमरे को फटाफट तोड़ देते हैं ताकि अपना काम हो जाए कंप्लीट, और यहीं फेंकते हैं इस हैमर को। मिस्टर मीट भागा भागा आएगा मुझे पता है, वो आ गया मिस्टर मीट। ओके, तो मिस्टर मीट कहाँ है, दिख नहीं रहा भाई, वहीं रुक गया क्या, भूल गया बेवकूफ़ फिर से मेरे बारे में। तो नहीं 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 भूला भाई, देख लिया है, आ रहा है पीछे, पीछा तो नहीं छोड़ेगा भाई मिस्टर मीट, ठान रहा है मिस्टर मीट ने। ओके, तो अब हमें लेके आनी है उस बकेट को, बट मिस्टर मीट जाने नहीं देगा, जब तक मिस्टर मीट ऊपर नहीं आएगा तब तक हम नहीं जा सकते हैं, हमें इंतज़ार करना पड़ेगा मिस्टर मीट का। लेकिन मैं यहाँ से जा सकता हूँ वैसे यार। ओके, तो मिस्टर मीट गया अंदर और हम जाएंगे बाहर।
सो इजी गाइस, सो इजी, बहुत इजी काम है। ये हमने घुमाया क्रैंक, ये गई बाल्टी अंदर और अब आएगी बाल्टी बाहर। लावा से भल्ली है भाई बाल्टी, कुएं के अंदर क्या है आज तक कोई नहीं बता सका है। ओके, ये बाल्टी को हमें फेंकना है अब उस छोटे से, क्या बोलेंगे उसे यार, वैन के अंदर, वैन ही बोलेंगे ना, छोटा सा स्टोर हाउस के अंदर। हाँ, तो हमें फेंकना है इस बाल्टी को यहाँ पर बिकॉज ज़रूरत पड़ने वाली है। अब मिस्टर मीट आएगा शायद यहाँ भागा भागा। तो अब हमें चाहिए, क्या चाहिए भाई मेरे को अब, और एक मिनट देखना पड़ेगा क्या चाहिएगा। यस, तो अब हमें उस लैक्सेटिव जो हमने डाली थी उस पिक के खाने में, वहाँ हमें जाना पड़ेगा और वो लेके आना पड़ेगा जो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। बट क्या करें, एंडिंग कंप्लीट नहीं होगी जब तक वो चीज़ नहीं मिलेगी हमें, तो हमें वो चीज़ लेके आनी है। पहले एक गन उठा लेता हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि अब वो पीछे पड़े मेरे मिस्टर मीट। इस मिस्टर मीट का भी मैं काम तमाम ही कर दूँगा अब एक बार। यहाँ फेंकते हैं अपनी गन, आने देते हैं मिस्टर मीट को। उठा भाई उठा, आने दो अब इसको, इसकी हैप्पी दिवाली बनेगी अब यहाँ पर, धूम धड़ाका होगा। देख लिया मिस्टर मीट ने, आ जा बेटा आ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खेल ले। देख रहा, डायरेक्ट छाती में गोली मारी है तेरे मैंने, छाती आर पार कर दी है। इस गन को फेंकते हैं यहीं पर बिकॉज हमें लेके आनी है वो चीज़। अभी पता चलेगा आपको कि क्या चीज़ है वो। ओके, पिक का ध्यान रखना है मुझे बिकॉज उसने देख लिया तो बिल्कुल पीछे पड़ जाएगा वो, और मैं नहीं चाहता हूँ पीछे पड़े वो। आ जा, कहाँ है भाई, इधर तो नहीं है ना। आ गया भाई, आ गया आ गया आ गया आ गया, बच गया भाई, बचा 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 बचा, या सेफ है भाई, सेफ है। ये मिस्टर मीट का पेड भी मिस्टर मीट जैसे ही बिल्कुल बेवकूफ़ है, थोड़ी सी देर में भूल जाता है हमारे बारे में, भूल ही गया ये भी कि हम पीछे खड़े हुए हैं इसके। तो कितने आराम से जा रहा, कोई टेंशन नहीं है भाई, लाइफ मस्त है इसकी, मक्खन चल रही है बिल्कुल, खाना पीना सब बराबर चल रहा है। देख लेना एक दिन तेरे को मिस्टर मीट ही खा जाएगा। ये मैं इसकी बात कर रहा था, हमें इस म्यूटेंट पिक की ड्रॉपिंग उठानी पड़ रही है जिसे हम हिंदी में पॉटी कहते हैं। देखो कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं आज हमें, इसलिए कहते हैं पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो, देश को संभालो। ओके, तो ये ड्रॉपिंग भी मैंने यहीं पर फेंक दी है। अब हमें बुलाना है उस साइंटिस्ट को, बट उस साइंटिस्ट को बुलाने से पहले हमें इस मिस्टर मीट को वापस सुलाना पड़ेगा। अब ये फटाफट मिस्टर मीट उड़ जाए तो मैं उस साइंटिस्ट को, इस मिस्टर मीट को वापस सुला सकूं। एक बार उड़ जाए मिस्टर मीट, फिर हम वापस सुलाएंगे मिस्टर मीट को। हम हमारी गन उठा लेते हैं बिकॉज गन सबसे इम्पोर्टेंट है, गन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली है अब। ओके, अब उठता है, अब बस उठने ही वाला है मिस्टर मीट। जैसे ही मिस्टर मीट उठेगा हम उड़ा देंगे इसको, बिल्कुल टाइम नहीं लेंगे। अबे उड़ जा यार, उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया, चलते हैं इसके पीछे। ओके, मिल गया मिस्टर मीट, ये रहा, लड़की को डराता है काम को, चल। ओके, तो अब हमारा काम हो गया है, अब इस लड़की को बुला के लाना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर, यहाँ पर नहीं बिल्कुल हमें बैकयार्ड तक लेके जाना है इसको। ये देखो कहाँ भागे जा रही है भाई, कहाँ भागे जा रही है, चलना यार, आ जा मेरे पीछे, आ जा जल्दी, तेरे को ठीक करूँगा मैं, अब इलाज करना है तेरा, तेरे इस मिस्टर मीट का तो इलाज कर दिया मैंने, अब तेरी बारी है, तेरा भी इलाज करना पड़ेगा, जल्दी आ जा पीछे पीछे। देख रहे हो कितनी भूखी है ये, एप्पल खाना बहुत पसंद है इसे। ओके, तो यहाँ पर हम इस वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं, हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है बैकयार्ड के फार्म पर। ओके, तो साइंटिस्ट के पास हमें जाना है और इसको भी लेके जाना पड़ेगा बिकॉज पहले वो चेक करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद वो इसका इलाज करेगा। जल्दी आ जा, जल्दी आ फटाफट, टाइम वेस्ट मत कर, इंतज़ार कर रहा है कोई अपना, अरे जल्दी आ, देख रहे हो कैसा बुला के लाना पड़ा।
हाँ चल चल चल, फालतू बात मत कर, जल्दी चल यहाँ से। ओहो देख, ये घर बिल्कुल सेफ प्लेस नहीं है, गलत जगह आ गया तू, गलत एड्रेस पे आ गया है, वापस चला जा। खांसी जा रही है भाई, कोरोना वोरोना तो नहीं है तेरे को, मतलब COVID-19 तो नहीं है कहीं? मेरे को लग रहा है ये कोरोना का मरीज लग रहा है मुझे, खांसी जा रहा है आपसे, इससे सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी। अरे जा रहा, खांसी जा रहा भाई, क्या बात है, तेरा फोटो भी मुकेश की जगह आएगा, हम बचा नहीं सके साइंटिस्ट को। इसीलिए कहते हैं कम भीड़ पुका कर। ओके तो इस गेट को लगा देते हैं ताकि ये अपना काम ढंग से कर सके। ओके ये ले, हाँ हाँ तेरे को जो भी चाहिए मैंने सब ला के रख दिया है पहले से, टेंशन मत ले। ये रही म्यूटेंट पिक की ड्रॉपिंग, ये हमने भरती एक बीकर में, और ये रहा बकेट ऑफ रेड पोशन, दोनों चीज़ें तेरे को दे दी है, तेरा काम कर पड़ा पड़ जाके, तू दवाई बना और इसको ठीक कर। Yes, that's it, is another bit of that. No, very well. Come here, little pig. Drink this. अब ये मत कहना तू उसको पीने के लिए बोल रहा है। अबे तू क्या पिला रहा है उसको भाई, शर्म नहीं आती तुझे, इतनी छोटी लड़की को पोटी पिला रहा है तू? ओह जादू पंखी हो गई, जादू पंखी हो गई है। वाह यार, टोटका असर कर गया। ओके अब ये थोड़ी अच्छी लग रही है, वरना पहले तो बहुत बुरी लग रही थी। ओके तो मेरे हिसाब से हमारी एंडिंग हो गई है कंप्लीट, और यही थी मिस्टर मीट की सीक्रेट एंडिंग। यस ये रहा मिस्टर मीट, जीवन चिढ़ा रहा हमें, अब क्या फ़ायदा, अब तुम चले गए, अब जीवन चिढ़ाने का क्या फ़ायदा। ओके तो गाइज यही थी मिस्टर मीट की न्यू सीक्रेट एंडिंग, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और गाइज मैं इसी तरह की बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना। हम फिर लौटेंगे इसी तरह की एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।